वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास अगेन। आप सभी को याद होगा कि हम इंग्लिश में हमारा लेसन नंबर 4 द मैजिक कारपेट का लेसन नंबर 4 द किंग हू वांटेड टू टच द मून ये चैप्टर हम रीड आउट कर रहे थे। हमने इस चैप्टर में जाना था कि किस तरह से एक किंग जो था वो बेस्ट किंग बनना चाह रहा था, जिसके लिए उसने क्या आइडिया निकाला कि वो पहला ऐसा इंसान बनेगा जो मून को टच करेगा, और इसके लिए उसने अपने रॉयल कारपेंटर को बुलाया और उससे राय मांगी। और उसके रॉयल कारपेंटर ने कहा कि अगर हम वुडन बॉक्सेस को, लकड़ी के बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एक बड़ा सा टावर बन जाएगा जिससे कि आप मून को टच कर सकते हैं उस पर चढ़ के। और किस तरह से जब उन्होंने जब ये सब किया और जब वुडन बॉक्सेस ख़त्म हो गए तो किस तरह से उन्होंने राज्य के सभी पेड़ों को काट कर उसके बॉक्सेस बनाकर एक दूसरे पे अरेंज किया और टावर जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो चलिए अब जानते हैं कि टावर क्या इतना बड़ा, इतना ऊंचा हो सका कि किंग मून को टच कर सके। द टावर ग्रू सो हाई दैट पीपल ऑन द ग्राउंड कुड नॉट सी द टॉप। अब टावर इतना ऊंचा बन गया था कि ज़मीन पे खड़े होकर लोग देख ही नहीं पा रहे थे कि उसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि टावर बहुत ऊंचा हो गया था। द किंग डिक्लेयर्ड, अब जब टावर बहुत ऊंचा हो गया तो किंग ने डिक्लेयर किया, किंग ने बोला आई विल क्लाइंब द टावर टू नाइट एंड टच द मून, मैं आज रात इस टावर के ऊपर चढ़ूंगा और मून को टच करूंगा। पीपल वॉच्ड इन वंडर एज द किंग क्लाइंब हायर एंड हायर। अब रात का वक्त हुआ और रात के वक्त किंग ने उस टावर के ऊपर चढ़ना शुरू किया। लोग जो थे, सभी लोग बहुत हैरानी से देख रहे थे क्योंकि किंग जो है वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे। ही हफ्ड एंड पफ्ड अंटिल एट लास्ट ही रीच द टॉप ऑफ द टावर। अब चढ़ते चढ़ते वो हफ एंड पफ हो गए थे। हफ एंड पफ का मतलब क्या होता है, लंबी लंबी सांसें भरना, थक जाना। जब हम बहुत भागते हैं या बहुत ज़्यादा ऊंचा चढ़ाई करते हैं तो हम थक जाते हैं ना, तो हम गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, थक जाते हैं। तो ऐसे ही किंग जो था वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, लेकिन आखिरकार वो टॉप पे, यानी कि सबसे जो ऊपर जो टावर था सबसे ऊँचा, वहाँ तक वो पहुँच ही गए। द किंग स्टूड ऑन द टॉप मोस्ट बॉक्स, किंग जो थे वो सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे अब पहुंच चुके थे। एंड स्ट्रेच्ड हिज हैंड टू टच द मून, और उन्होंने कोशिश की, अपने हैंड को, अपने हाथ को स्ट्रेच किया, हाथ को बहुत दूर तक खींचा कि वो मून को टच कर सके, बट ही कुड नॉट क्वाइट गेट देयर, लेकिन वो मून को टच नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मून को टच नहीं कर पाए। ही ऑर्डर द रॉयल कारपेंटर टू सेंड अप जस्ट वन मोर बॉक्स, उन्होंने कारपेंटर को ऑर्डर दिया कि एक बॉक्स और भेजो तो मैं उस एक बॉक्स को यहाँ पे रख के और उस पर खड़ा हो जाऊँगा तो मैं मून को टच कर पाऊँगा, सिर्फ एक बॉक्स भेजो ऊपर। बट देयर आर नो मोर बॉक्सेज योर मैजेस्टी द कारपेंटर शाउटेड, कारपेंटर ने बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, क्योंकि वो ज़मीन पे था इसलिए उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला, लेकिन योर मैजेस्टी महाराज, यहाँ पे और बॉक्सेस नहीं है, सब बॉक्सेस ख़त्म हो गए हैं। द फुलिश किंग हैड एन अदर आइडिया, तभी उस राजा को, उस किंग को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया सुनिए, पुल आउट दी वन एट दी बॉटम एंड सेंड इट अप, उसने आदेश दिया कारपेंटर को कि ऐसा करो, अगर सारे बॉक्सेस ख़त्म हो गए तो तुम सबसे नीचे वाले में से एक बॉक्स खींच के बाहर निकाल दो और उसे मेरे पास ऊपर भेज दो, तो मैं ऊपर लगा के और उस पर चढ़ के मून को टच कर लूँगा। क्विकली इट इज कोल्ड अप हेयर ही थंडर्ड, और फिर वो जोर से चिल्लाने लग गया राजा कि जल्दी करो, मुझे यहाँ पे बहुत ठंड लग रही क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पे खड़ा हूँ। द कारपेंटर न्यू इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, कारपेंटर को पता था कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो नीचे से निकालेगा तो पूरा टावर गिर जाएगा। उसको पता था कि वो एक अच्छा आइडिया नहीं है कि नीचे से निकाल के देना, बट ही कुड नॉट से नो टू द किंग, लेकिन वो राजा को मना नहीं कर सकता था। ही टग्ड एट द बॉक्स एट द बॉटम विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत लगा के सबसे नीचे वाले बॉक्स को टग किया, यानी कि जोर से खींचा और खींच के बाहर निकाला। फर्स्ट देयर वॉज अ क्रीक, अब जब वो सबसे नीचे वाले बॉक्स को खींच के बाहर निकाल रहा था कारपेंटर, तब पहले एक क्रीक की आवाज़ आई, फिर एक क्रैक की आवाज़ आई, देन विद अ माइटी रंबल, माइटी रंबल, रंबल मतलब क्या होता है, बहुत ही डीप साउंड कह सकते हैं हम इसको, डीप साउंड यानी कि बहुत ही तेज़ आवाज़, तभी एक बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ द टावर केम डाउन इन अ हीप, बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ पूरा टावर नीचे गिर गया।
When the dust settled, the king got up and looked at the boxes scattered everywhere. और जब वो पूरा टावर जो था वो नीचे गिर गया बॉक्सेस का, तब चारों तरफ से धूल ही धूल फैल गई. जब वो धूल साफ हुई तब किंग ने देखा कि चारों तरफ वो बॉक्सेस जो थे वो बिखरे पड़े हुए थे. His wish to touch the moon had not come true. उसकी जो विश थी, उसकी जो ख्वाहिश थी मून को टच करने की, वो पूरी नहीं हो पाई. He had made his soldiers and people work hard and now they could all see his foolishness. उसने अपने राज्य के सभी सोल्जर्स से, सभी लोगों से, वर्कमैन से, सबसे इतनी मेहनत करवाई, लेकिन अब सब खड़े होकर, जितने भी लोग थे सब खड़े होकर उसकी मूर्खता देख रहे थे, क्योंकि वो मून को टच तो कर नहीं पाया. और सब लोगों को पता था कि वो कभी मून को टच कर भी नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि वो किंग था इसलिए कोई उसको मना नहीं कर पाता था. लेकिन अब सब लोगों ने खड़े होकर उसकी मूर्खता देखी कि ये कितना मूर्ख, यानी कितना फुलिश किंग है. After some days, the king began his royal duties again. अब उस किंग को रियलाइज हुआ कि ये तो पॉसिबल नहीं है, और कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो गया और उसने अपनी रॉयल ड्यूटीज़, जो उसका काम है अपने राज्य की देखभाल करना, लोगों की देखभाल करना, वही काम उसने करना शुरू कर दिया. He had learned a lesson. अब उसको एक सबक मिल गया था. He had realized that looking after his people was the only way to become the best king. अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अपने राज्य और अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचना और उनके लिए कुछ अच्छा करने से ही वो बेस्ट किंग बनेगा, ना कि मून को टच करके वो बेस्ट किंग बनेगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है. आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ भी आई होगी और पढ़ के मज़ा भी आया होगा. ठीक है, कि लास्ट में इस किंग को रियलाइज़ हो जाता है कि असल में जो हम काम करते हैं, जो हम अच्छा काम करते हैं, हम बेस्ट उसी से बनते हैं. हम कुछ भी फुलिशनेस करके कभी भी बेस्ट नहीं बन सकते हैं. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन.